तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल 2019 विद फॉर्मूला फॉर डैशबोर्ड। तो हम बात करेंगे आज आपके साथ एक्सेल की आर्किटेक्चर के बारे में कि एक्सेल का आर्किटेक्चर क्या है। पहले से आपको एक्सेल पता है, चीज को मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल जीरो लेके चलूंगा। मैं चाहना सोचूंगा कि आपको फिलहाल कुछ नहीं आता, राइट? राइट, ओके। तो हम बात कर रहे हैं इसमें आज सबसे पहले एक्सेल आर्किटेक्चर के बारे में कि एक्सेल जो फाइल है, ये फाइल आपका होता है, इस फाइल के अंदर शीट्स होते हैं, शीट्स के अंदर सेल रो एंड कॉलम होते हैं, और हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। ओके, हाँ बिल्कुल सर, समझ गए। अब ये जो एड्रेस है हमारा, अब एड्रेस क्या होता है, जैसे कि हमारा, जैसे मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है, तो D कॉलन है, वन नंबर रो है, सॉरी एट नंबर रो है, तो D8 हो गया। D8, राइट। तो D8 हुआ, तो ऐसा क्यों है? अब चलिए इस कैलकुलेशन को समझते हैं। जैसे कि हमें 30 है, यहाँ पे 60 है, इसको ऐड करना है, तो मैं इक्वल के ऊपर करते हैं ताकि सिस्टम को पता चले कि फॉर्मूला लग रहा है, नॉर्मल डेटा टाइपिंग नहीं है। बराबर 30 प्लस 60 हमने कर दिया, ठीक है, 90 आ गया। अब इसमें जो हुआ हमारा 90 आया, तो अब इससे लिंक नहीं है, अगर मैं 70 कर दूं तो चेंज नहीं होगा। बराबर, अब लिंक करना है तो मैं क्या करूं, C2 प्लस D2 कर दिया। अब C2 क्या है, C2 इट मीन C रो एंड 2 नंबर रो, उसकी वैल्यू प्लस D2 D नंबर 2 नंबर रो। बेनिफिट क्या हुआ कि इस पे अब हम एंटर करेंगे तो मेरा अपडेट हो। तो एड्रेस जो बनाया गया था उसका पर्पस यही था कि डेटा को लोकेट कर सके कि डेटा कहां पर। हर एक सेल का अपना लिंक होता है, हर एक सेल का अपना लिंक होता है। अब इसमें एक बेनिफिट बताते हैं आपको, यहां पर हमने सेल्स किया, यहां पे नंबर, मुझे इन सारे नंबर्स पे 20 ऐड करना है साइड। हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 20 कर देंगे। अब नीचे अब मुझे हर एक सेल में प्लस 20 करने की जरूरत नहीं है, बस सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे आगे। अब एक बेनिफिट है सर, क्योंकि जब ड्रैग करते हैं तो हमारा रेफरेंस है, जैसे A1 A2 है, यहाँ पे A3 हो गया, यहाँ पे A4 हो गया, A5 हो गया, ऐसे इंक्रीज होता है, ऊपर करेंगे तो डिक्रीज होगा, तो रो एंड कॉलम दोनों इंक्रीज होते हैं। देखिए ये एक बेनिफिट है, अगर इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास ऐसा फीचर्स है और आपके पास आपको हर एक ऐसा फीचर ना होता, हर एक सेल में जाके लगाना पड़ता, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी ना सर। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा फीचर होने से बेनिफिट है, लेकिन इसकी हर एक फीचर्स की अगर प्रॉफिट है तो नुकसान भी है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 30 कर दिया, अब मैं सारे कॉलम्स की वैल्यू में D1 की वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल नीचे ड्रैग करेंगे तो A2 हमारा A2 A3 हो गया, तो D1 में D3 हो जाएगा। तो मुझे क्या हर एक सेल में मुझे इस तरह से 1x1 लगाना पड़ेगा? जी, इसका भी हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है? डॉलर लगाएंगे हम इसके आगे, डॉलर लगाते हैं। जी हाँ, सही आपने कहा कि हम इसके आगे डॉलर लगा फिर नीचे ड्रैग करेंगे। देखिए आपने देखा डॉलर मैंने रो के सामने लगाया, मतलब कि रो फ्रीज हुआ। एक डॉलर बॉटम डाउन होगा तो 1 फिक्स रहेगा, लेकिन जैसे लेफ्ट राइट होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको अगर दोनों फ्रीज करना है तो दोनों के सामने डॉलर लगाना है। आप यूजली एक में भी लगा सकते हैं और मल्टीपल्स में भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रो के लिए और कॉलम के लिए। सही बोला, ठीक है। ऐसे सेम अनदर शीट्स और अदर फाइल पे भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है। दूसरी चीज ये है कि आप एक्सेल यूज कर रहे हैं जी, और मैं आपको बहुत चीजें जैसे कंडीशनल कन्वर्टिंग मैंने बता दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि कंडीशनल कन्वर्टिंग आपको हमेशा याद रहेगा।
हो सकता है कि फ्यूचर में आप भूल जाए क्या? तो इस पे जैसे कर्सर आप रखते हैं इसका शॉर्ट नोट्स आ जाता है यहाँ पे। ओके आगे ना टेल मी मोर पे क्लिक करते हैं। ओके यहाँ आपको एक्सेल हेल्प बाय डिफॉल्ट ही रहता है जी। हाँ होम में हाँ वो रहता ही है। हाँ समझ में आया। होम में नहीं किसी भी ऑप्शन के बारे में जानना है उसके ऊपर कर्सर रखिए उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ओके बच गए। और उसको अगर आप F1 प्रेस कर ले या ऊपर सर्च में सर्च बार करें तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट क्या है कि हम लोगों की एक हैबिट है कि हम लोगों की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं। लेकिन जब गूगल पे इंफॉर्मेशन दी गई है वो 100% करेक्ट नहीं होती है। वो हम जैसे आप जैसे लोगों ने डाला होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रूफ रीड नहीं किया हुआ है। इंफॉर्मेशन सही ही है वो गलत भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब भी कुछ चीज सर्च करे आप एक्सेल हेल्प में पहले सर्च करें। ओके समझ में ना आए तो उसको आप गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब पे सर्च करें। ओके सर देख रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये तो हो गए। अब इसमें अनदर आती है कि मुझे एक्सेल की लिमिटेशन पता करनी है। एक्सेल की लिमिटेशन क्या है? तो आप यहीं पे शॉर्ट मार्क यहां पे लिमिट शॉर्ट सर्च कीजिए। आ गया एक्सेलिफिकेशन एंड लिमिट्स। ओके इस पे क्लिक कीजिए। देखिए हर फीचर का यहां पे आपको मैक्सिमम लिमिट दे रहा है ना सर? हाँ दे रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपको दे रहा है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ना आपको मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको आप संस्कृत की श्लोक की तरह रट जाइए या हम लोग बचपन में रटते थे ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसे रटना ही मानना है। लेकिन इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक एक सेल में कितने नंबर ऑफ करेक्टर टाइप किए जा सकते। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कितने नेस्टेड इफ लगा सकता हूं। ओके कोई नहीं है लेकिन फॉर्मूले का लेंथ अगर 32,767 से ऊपर गया चाहे वो 10 इफ में जाए या 10,000 में जाए आपको फॉर्मूला काम करना बंद कर। ओके मतलब फॉर्मूले के रूप में या वैल्यू के रूप में वो एक करेक्टर को स्टोर कर सकता है इससे आगे करेक्टर को। ओके समझ गए। लेकिन सर वो पर्टिकुलर एक शीट के लिए है या एक सेल के लिए? एक सेल के। ओके हाँ एक सेल में उतने जैसे हमने ए लिखा हमारे पास डेप्थ का फॉर्मूला होता है। मैंने इसको 5 टाइम किया तो 5 टाइम रिपीट करके दे दिया ना बराबर। ओके मैं इसमें कर देता हूँ 40,000। नहीं दिया नहीं ये दिया नहीं क्या कर दूंगा अभी ये बच गया ना। हाँ चलिए अभी कितना किया था सर लास्ट में? 4,000 किया था। 4,000 ओके हाँ तो 32,700 तक ले पाएगा ऐसे। हाँ ओके मतलब कि एक सेल के अंदर में फॉर्मूला हो या करेक्टर हो 32,767 की कैपेसिटी है। ओके आप अगर कोई फॉर्मूला लगाते हो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए ना कि भाई यहाँ पे 4,000 आ रहा है पर 40,000 कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा। तो यहाँ अगर आपको पता ना होगा कि भाई ये लिमिटेशन है तो आप कंफ्यूज होंगे ना। राइट राइट सर वैल्यू दिखा देगा तो फॉर्मूला कुछ गलत हो गया ऐसे हो जाएगा। सही बोला क्योंकि लिमिट ही मालूम नहीं है तो फॉर्मूला कैसे मालूम चलेगा। जी हाँ
जी सर। बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर लिमिटेशन के बाद हम बात करें, इसमें आप सर्च कर सकते हैं शॉर्ट का, शॉर्टकट से किसी सिस्टम का शॉर्टकट पता करना हो किसी ऑप्शन का, तो उस पर कर्सर रखिएगा तो शॉर्टकट पता चल जाता है। देखिए मुझे लिस्ट चाहिए पूरी टोटल भी, हाँ उसको भी आपको एक्सेल पे देखने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सर्च कीजिए आ जाएगा एक्सेल शॉर्टकट इन एक्सेल, आ गया ना कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल। अब इसको आप यूज कीजिए, इसको भी रट्टा मारने से मतलब इसको मेमोराइज करने से आपको नहीं आएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इनमें से सर मैं जो ये शॉर्ट कीजिए ना, लगभग सर मैं होम के जितने भी टैब है उतने के तो शॉर्टकट में चला चला सकता हूँ, मतलब चला चला रहा हूँ अभी अल्ट करके, Alt+H+B ऐसे। वो तो शॉर्टकट अलग है, वो जो आप यूज कर रहे हो अल्टरनेटिव की कहते हैं उसको, शॉर्टकट नहीं बोलेंगे सर। ओके हाँ, शॉर्टकट ये हुआ जैसे कि आप माउस से जाना चाहते हैं वैसे कीबोर्ड से जा सकते हैं, आप की प्रेस करते ही कीबोर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, राइट। ठीक है सर, तो इसको भी एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा कीबोर्ड शॉर्टकट को। दूसरा बात आता है एक्सेल में और क्या क्या चीजें, किस तरह की रिपोर्ट बन सकती है, इसके बारे में अगर पता करना हो तो आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं व्यू में आइए एंड बार में, समझ गए। जो टेम्पलेट आप देख रहे हैं ये आपके बने बनाए रिपोर्ट्स हैं, अभी कैटेगरी के हिसाब से भी अलग अलग है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर चाहिए बजट के हिसाब से मैं सर्च भी कर सकता हूँ, बजट सर्च लू या ट्रायल बैलेंस सर्च कर लू या बिल सर्च कर लू, यहाँ पे दिख रहा है सर इसको जो है 8-10 जो है डाउनलोड करके उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, ये सीखने में आपको बड़ी मदद करेगा। तो ये हर जगह से डाउनलोड ऐसे यहाँ से जितने भी ये हैं यहाँ से जाके टेम्पलेट डाउनलोड करना है और फिर देखना है इसे। जी हाँ, जैसे मान लीजिए ना ये आपका बजट 4-15 इवेंट दिख रहा है ना आपको, अब डाउनलोड या सर ये आपका रिपोर्ट है, यहाँ आपका एक्सपेंस है, यहाँ आपका रेवेन्यू है, अगर आप यहाँ चेंज करते हैं तो आपका डेटा हो जाएगा, ये आपका इनकम आइटम है, एक्सपेंस आइटम है, यहाँ पे आपके नेम्स है नेम वन नेम टू, गिनती करते समय आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टडी है ऐसे स्टडी का एक स्टडी समझिए ना, ताकि आपको सीखने में आसानी हो। ओके तो इसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है कर लेंगे।